नमस्कार, स्टेट वाइज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। जहाँ एक तरफ कजरी तीज के दिन महिलाएं भगवान शंकर और पार्वती की पूजा अर्चना कर अपने पति के लंबे आयु की प्रार्थना कर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ एक कलयुगी पति हैवान बन बैठा। पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। मामला अमेठी जिले के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के सचिन चौकी के पास की है, जहाँ कलयुगी पति ने अपनी ही पत्नी का गला रेत दिया। हत्या की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक इलामारन जी और क्षेत्राधिकारी अर्पित कपूर समेत भारी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या नाम है? मधु यादव। क्या घटना हुई है आज? सर, वो पापा मेरे पास कॉल किए थे और बोले कि तुम्हारी मम्मी की कोई गर्दन काट दिया है। तो आगे क्या घटना हुई? रात में कुछ नहीं, हम लोग रोने लगे थे। हाँ, फिर दोबारा कोई जानकारी मिली? सर, फिर से पापा कॉल किए और बोले कि सच में हम कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे, अपने मामा लोग को बुला लो। और हमारे चाचा जी, जब अपने चाचा जी को मैंने बताया तो उन्होंने कॉल किया तो वो कह रहे थे नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। क्या चाहते हो आप लोग? सर, हम लोग चाहते हैं कि इसमें मजरूम को। भैया, सत्यन चौकी अंतर्गत घटना हुई है, पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज 30 तारीख थाना बाजार शुक्ल क्षेत्र में सत्यन चौकी के अंतर्गत एक महिला का ने पति ने मार दिया था। इसके बारे में पुलिस को सूचना तुरंत मिल गई। इसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के बॉडी को बरामद किया। अभी पंचनामा भर के इसके PM के लिए आगे भेजा जा रहा है। ये पति ने अभी पुलिस का हिरासत में, जिनको पूछताछ हो रहा है, परिवार से एप्लीकेशन प्राप्त करके FIR दर्ज कराकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पति किस थाने में हिरासत में है भैया? अभी पति ने सुल्तानपुर थाने में सरेंडर हुआ है, वहाँ से अमेठी पुलिस ने उनको लेके आ रहे हैं, उसके बाद पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।